जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल आप सर का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी का जो अग्निवीर का वैकेंसी है उसका फॉर्म आज से भरना शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर आप आर्मी में अग्निवीर का फॉर्म भरना चाहते हैं, 4 सालों के लिए अग्निवीर की जो इंडियन आर्मी है उस पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर देखिए आप फॉर्म कैसे भरेंगे आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट होगी आपको देने की कोशिश करें। दोस्तों, आप अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाएगा करियर ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी दोस्तों, फॉर्म कैसे भरेंगे और फॉर्म भरने का लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा दोस्तों करियर ऑप्शन में। अनिल सर ITI.in नाम चैनल है, यूट्यूब और वेबसाइट का नाम है अनिल सर ITI.in पे, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। और एक बात और, फिजिकल को लेकर आपके सवाल बन रहे था तो उसको जरूर यहाँ से देख लिया। फिजिकल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया अलग अलग जोन से। ये देखिए बंगलोर के है जिसमें यहाँ पे देखिए बंगलोर का निकला गया है, इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। इसका सबका अलग अलग दिया गया दोस्तों, ठीक है। इवन नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका अलग अलग नोटिफिकेशन है सभी का, तो उस पर दिया गया सभी का कितना फिजिकल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइट दिया गया है, यहाँ पे वेट दिया गया और यहाँ पे चेस्ट भी दिया गया है, देखिए तो 63 है 63 62 है मिनिमम, 77 सेंटीमीटर देखिए चेस्ट है, 5 सेंटीमीटर फुला करके। और यहाँ पे देखिए वेट भी 48 मिनिमम वेट दिया गया 48 किलो, इससे 48 किलो से एबव होना चाहिए, मतलब यहाँ पे दिया गया सभी का अलग अलग। तो एक बार अच्छे से चेक कर लिया नोटिफिकेशन में, ठीक है। और सभी का नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटिफिकेशन में सभी चीज़ दी भी गई है। यहाँ पे जैसे बिहार का भी देखिए, बिहार का भी कहीं ना कहीं होगा इसमें, सभी राज्य का अलग अलग है, इसको क्लिक करके बार देख लीजिए, ठीक है। लुधियाना है, हिसार है, त्रिची है, और यहाँ जाएगा तो नीचे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी में अलग अलग हाइट वेट मांगा गया है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे कि हाइट वेट लगभग अलग अलग जगह पर अलग अलग मांगा जा रहा है, ठीक है कहीं कहीं। तो इसके लिए आपको जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका लिंक भी दे देंगे वहाँ का, तो एक बार जाइएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी भी मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हाइट और वेट का। वैसे हम हाइट वेट का दे भी दिए हैं पूरा सभी का, देखिएगा तो यहाँ पे सभी का देखिए, जैसे हाइट की देखिए, ये हाइट देखिए आप बिहार में देखिए तो यहाँ पे बिहार का दिया गया है, यहाँ पे जैसे बिहार के कैंडिडेट है तो यहाँ पे देखिए 169 है, या देखिए हाइट है अलग अलग, जैसे कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी का अलग है, टेक्निकल के लिए अलग है, अग्निवीर कलर के लिए अलग है, चेस्ट का अलग है, वेट का अलग है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न हिमालय रीजन में देखा तो 163 है सभी के लिए, 63 है, और यहाँ पे कलर के लिए 162 है, चेस्ट की बात करें तो 77 है और 48 kg मिनिमम है, सभी का 48 है, लेकिन इधर नीचे जाएगा तो वेस्टर्न में और ईस्टर्न में और सेंट्रल और साउथर्न में 50-50 मांगे गए हैं। और यहाँ पे देखिए सेंट्रल जोन में 77 दिया गया, 1% तक आपको रिलैक्सेशन मिलता मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सभी चीज़ दी भी गई, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन। और अभी हम फॉर्म कैसे भरें उसकी जानकारी देखने वाले, ठीक है। और तो छोटी सी जानकारी देनी थी क्योंकि फिजिकल से बहुत सारे सवाल थे कि फिजिकल कितना है, ठीक है, तो फिजिकल पहले चेकआउट कर लीजिए क्योंकि पहले सबसे पहले फिजिकल ही होना है। अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर दिया, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्लाई ना पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे सभी जानकारी भी दी गई ऑफिशियली भी, ठीक है, ऑफिशियल भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अप्लाई ना पे क्लिक करें, पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अप्लाई ना पे करेंगे तो अप्लाई होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, मोबाइल में आप आसानी से भर सकते हैं, मोबाइल अगर आपके पास है तो मोबाइल में भर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके सबसे पहले आपको स्टेट का नाम चूज करना होगा, आप किस स्टेट के हैं, और अगर आपके पास आधार है तो ठीक है, नहीं है तो आधार का इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा, लेकिन आधार जरूरी है दोस्तों, बनवा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे नाम इंटर करेंगे दोस्तों, उसके बाद फादर नेम इंटर करेंगे, मदर नेम, पूरा मैट्रिक के अनुसार आपको फिलअप करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक में देख लीजिएगा, मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ कितना है, ठीक है, उसके अनुसार ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करना और मोबाइल नंबर, ठीक है। इसको इंटर करने के बाद आपको ओके करके हम यहाँ पे आगे सबमिट करेंगे, उसके पहले हम आपको फिलअप कर ले, उसके बाद आगे बताते हैं। तब डिटेल फिलअप करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी पे चेकआउट करिए, उस पर ओटीपी क्या होगा, उस पर यहाँ पे फिलअप करने के बाद कैप्चा इंटर करिए, ये जो लिखा होगा उसके बाद अगेन जनरेट सबमिट ओटीपी पे क्लिक करिए तो सबमिट होगा। अगेन करिए, मान लो ओटीपी नहीं आता तो आप अगेन करिए, नहीं तो अगर आ जाता है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद इस तरह का प्रोफाइल खुलेगा, इसमें जेंडर पूछा जाएगा, फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, डिवोर्स जो है उसको आप क्लिक करके, हाइट आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसमें आपकी हाइट कितनी है
उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा है बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो उसको चूज कर लीजिएगा। तहसील क्या है उसको चूज कर लीजिएगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जाए, 8th, 10th या 12th है, जो आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको लिख दीजिएगा। और 12th है तो पेयरिंग में है तो उसको चेकआउट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आगे चलते हैं तो पूछा जाए कि कौन सा बोर्ड है, तो उसको बोर्ड चूज कर लीजिए। यहाँ पे 12th हम डाल देते हैं। और आप मैट्रिक पर IIT किए हैं या मैट्रिक पर कर रहे हैं तो मैट्रिक चूज करेगा एक बार, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पास क्लिक करते हैं और मैट्रिक कर देते हैं CBSE बोर्ड से, सॉरी अदर बोर्ड करते हैं, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड पे क्लिक करें और कौन सा स्टेट क्या है उसको लिखना है और मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके बाद आपको यूजर नेम है और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड अपने मन से डालना है दोस्तों। तो पासवर्ड जो भी है उसको अपने मन से यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड जो होना चाहिए आपको 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और इसमें देखिए आपको सब कैरेक्टर मिक्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो अपर केस होना चाहिए, लोअर केस एक होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक नॉन अल्फाबेटिकल, मिला करके आपको 8 कैरेक्टर का बनाना है। तो हम बना करके यहाँ पे सेव बटन है, सेव पर क्लिक करते हैं। इस तरह से होम पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको नीचे जाइए तो नीचे आपको दिखाया जाएगा कि आप किस किस के लिए आप इलिजिबल है, ठीक है। देखिए एक बात जो है आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, हम भी बहुत ट्राई किए हैं, यहाँ पे अप्लाई नहीं अब नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि हमने कई हम बिहार सेलेक्ट किए थे और बिहार का भी शायद स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी अदर जगह से आप अपना राज्य सब सही से चूज किए हैं तब पर भी यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट इनेबल दिखाई दे रहा हो तो वेट करिएगा, क्योंकि ये देखिए हम कर्नाटका का बैंगलोर का डाला तो यहाँ पे देखिए तो अप्लाई का लिंक आया हुआ है लेकिन सभी राज्य का नहीं आया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए। हम भी बहुत परेशान देखिए कि यहाँ का क्यों नहीं आ रहा है, बिहार का क्यों नहीं आया, चाहे कई सारे राज्य का हमने डाल के दिया तो नहीं दिखाई देता, अंत में कर्नाटका का दे तो वहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक बार आप फॉर्म अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन करेगा और अगर नहीं आया होगा आपके राज्य का तो एक बार रेगुलर चेकअप करते रहेगा, ठीक है। और आएगा तो हमको नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई क्या आ रहा है, तो ये बात का ध्यान रखिए कि मेरा आ रहा है। यूट्यूब पे वीडियो बहुत देखते होंगे, वीडियो में दिखाई देता कि जो वीडियो बना रहा है उसका अप्लाई दिखाई देता रहा, आखिर मेरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। रीजन यही है, हमको भी पता चला कि क्योंकि हम कई सारे राज्य का डाल रहे थे तो नहीं दिखाई दे रहा था। अभी देखिए कर्नाटका का एक जगह का, मैसूर का, बैंगलोर का, तो यहाँ का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा से आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अपना और अपना जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो है सही से चूज कर लीजिएगा और उसके बाद अप्लाई ना पे क्लिक करिएगा तो आपका दिखाई देगा। हम भी कई सारे राज्य में देखें तो आप शायद इनेबल हो भी गया हो तो एक बार एड्रेस चेंज करके देख लीजिए, ठीक है। एक बार और अप्लाई करें, मतलब जो भी आपको करना है यहाँ पे, मतलब IT वाला है तो अग्निवीर टेक्निकल पे है तो यहाँ पे क्लिक करें। अभी से बार बार आपका लॉग आउट हो जाए तो आप कहेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो बार बार लॉग आउट हो जाए तो उसको लॉग इन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कई बार लॉग आउट हो जाएगा, बीच बीच आपको लॉग आउट हो जाए तो उसको लॉग इन करना पड़ेगा पहले से। तो सेव कर लीजिए ID पासवर्ड ताकि आपको आसानी से ये फॉर्म अप्लाई हो जाए, ठीक है। हम इसको वीडियो बनाया था तो लंबा हो सकता है क्योंकि हमने थोड़ा बहुत परेशानी हुई खोजने में। और यहाँ से देखिए IT वालों के लिए ये है, और लेकिन ध्यान रखिए 12th पास आउट ही IT अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12th पास आउट होना चाहिए और तभी अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ से अप्लाई ना पे क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो निर्देश मिलेगा, उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे और हमारे देखिए यहाँ से सारी जानकारी मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दें, सारा डिटेल अपलोड करने बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस पहले भरना है, फिर यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पर आप परमानेंट है वहाँ का पूरा एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे जैसे कि हाउस नंबर, एड्रेस, पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा, गांव का नाम, शहर का नाम, स्टेट हो गया तो यहाँ पर फिर आपको ब्लॉक लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए पिन कोड, पुलिस स्टेशन, डाकघर का नाम, और ये सब जरूरी नहीं है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस का नाम, ठीक है। और अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप क्लिक करके आप वो भी क्लिक कर दे तो ऑटोमेटिक ये पूरा भर जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो पहले हम फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आपसे कुछ डिटेल्स पूछा है जैसे कि जनरल रैली है या यूनिट हेडक्वार्टर है, तो जनरल पे क्लिक करेगा। और स्पोर्ट्स क्या है कि नहीं, कोई खेल है आपके पास, कोई खेल जानते हैं जिसमें आपको कोई मेडल मिलना है, और यस करेंगे तो उसका डिटेल फिलअप करना पड़ सकता है, नो करेंगे तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। NCC है कि नहीं, अगर NCC की है तो यस करिएगा, फिर उसका डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि नॉन डेपुटेशन कैटेगरी, लद्दाखी है, इसमें जो है वैसे तो नहीं होंगे, अगर होते हैं तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ से फिलअप करना है, 10th, 8th, 10th या 12th जो है
उसको क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर एजुकेशन डिटेल आएगा, एजुकेशन डिटेल में क्वालिफिकेशन कोर्स पूछा जाएगा, और ट्वेल्थ साइंस है, ट्वेल्थ लिखना है जो भी बोर्ड से ट्वेल्थ है, और यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, किस बोर्ड से किया, स्टेट बोर्ड है या कोई यूनिवर्सिटी है उसके बारे में लिखना है, स्टेट यूनिवर्सिटी या कोई स्टेट बोर्ड से किया तो स्टेट बोर्ड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको पासिंग ईयर लिखना है, कौन सी ईयर आप पास आउट हुए हैं, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। और यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए आपको 10+2 आपने किया है और यहाँ पे ITI किया है कि नहीं, ITI किए हुए तो यहाँ पे ITI चूज करना है। और डिप्लोमा देखिए यहाँ पे 1 ईयर ITI, 2 ईयर ITI, डिप्लोमा किए हैं यहाँ पूछा जाएगा। और ITI किए होंगे 2 साल का तो इस पर क्लिक करेगा, और डिप्लोमा किए हुए तो डिप्लोमा पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ITI 2 ईयर का कर देते हैं, और इसको फिलअप कर लीजिएगा, रोल नंबर आपको दे देते हैं 12th का, 12th जरूरी है दोस्तों, इससे 12th के अलावा आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली बता रहे हैं, और बस इतना हो गया हमारा। यहाँ देखिए, और यहाँ पे आपको अब सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट चूज करना हो, जैसे देखिए इसमें कौन कौन सब्जेक्ट था 12th, उसको चूज कर लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, जो जो सब्जेक्ट था उसको चूज करके ऐड करते जाना है। ठीक है, और कंटिन्यू करना है, पहले हम ऐड कर लेते हैं जो सब्जेक्ट है। यहाँ मार्क्स ऑप्टेन में डालना है, कितना नंबर आया है आपका, मान ली 300 नंबर, 100 नंबर आया है, मतलब 80 नंबर आया है, और आउट ऑफ कितना नंबर का था, 100 नंबर का, तो इतना ऐड कर लेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स, यहाँ पे कंटिन्यू करें, यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। देखिए अग्निवीर कलर में भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टेक्निकल के लिए क्लिक करें, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, और अगर किसी प्रकार गलती भी होता है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बारे में अच्छे से अपना फॉर्म को मिला लीजिएगा, हमने डेमो फॉर्म भरा है, आप अपना अच्छे से सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, और सही सही सारा मार्कशीट के अनुसार डिटेल फिलअप करिएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको सबमिट कर देना है, और यहाँ पे और आप चाहते हैं यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है एप्लीकेशन, तो हम यहाँ से सबमिट के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब श्योर है, ओके करेंगे, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली क्लिक करेंगे, हमारा सबमिट हो गया। और अभी भी हमारे पास चांस है किसी प्रकार का एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, जब तक फॉर्म भरने का डेट है तब तक भरिए, लेकिन लास्ट डेट नहीं बताया गया अभी तक, लास्ट डेट क्या है, कोई लास्ट डेट आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको बता देंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा ताकि जो भी अपडेट आएगा आपको पता चलते रहेगा, और चैनल पर नए आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी अपडेट आएगा आपको मिलते रहेगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।